अल्लाह अकबर। गाजा के राफा पर आक्रमण करने से पहले इजरायली सेना इस बात की बार बार दुहाई दे रही थी कि राफा में हमास की कम से कम 4 बटालियनों का गढ़ है और गाजा से हमास के सफाई के लिए राफा पर हमला करना जरूरी है। और अब जब IDF राफा में घुस चुकी है तो उसका ये दावा सच साबित हुआ है, क्योंकि राफा में चारों तरफ से इजरायली सेना के ऊपर हमास के लड़ाके बम और गोले बरसा रहे हैं। दरअसल हमास की सैन्य शाखा अलकासिम ब्रिगेड ने राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के पास IDF के ऊपर कई राउंड्स मोर्टार गोले दागे हैं और अलकासिम के साथ अलकुज ब्रिगेड भी IDF के ऊपर टूट पड़ी थी। अलकासिम ब्रिगेड ने IDF के ऊपर उसी इलाके में 60 mm के मोर्टार गोले दागे हैं। इसके अलावा इजरायली फौज पर बड़े कैलिबर मोर्टार गोलों से भी हमला किया गया है। यह हमला अल सलाम के पास किया गया है। इसके अलावा लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड ने भी इजरायली सेना के ऊपर 107 mm रॉकेट आर्टिलरी फायर की है। वहीं पूर्वी रफा में अलकासिम के लड़ाकों ने कुछ इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। अलकासिम ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें IDF के सैनिक एक खंडहर पड़ी इमारत के भीतर आ रहे हैं और तभी अलकासिम के लड़ाके उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अल्लाहू अकबर। और इसी वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दूर खड़े IDF के मेरकावा टैंक पर भी अलकासिम के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं जिसमें जोरदार धमाका होता है। इसके बाद तल अल हवा में नेटजरी मैक्सिस में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर एक स्नाइपर ऑपरेशन भी किया है। हमास के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास का एक लड़ाका स्नाइपर राइफल से दूर खड़े इजरायली सैनिकों पर घात लगाता है और तभी इजरायल के ये सैनिक एक सैन्य वाहन के पास कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उसी वक्त हमास का लड़ाका उनमें से एक सैनिक के ऊपर फायर कर देता है जिसके बाद IDF का जवान तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। नेटजरीम के अलावा अल तकद्दुम एक्सिस और अल जायतून में अलकुज ब्रिगेड ने भी इजरायली सैनिकों पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहाँ पर एक बिल्डिंग में इजरायली सैनिक पोजीशन लिए हुए थे तभी उनके ऊपर हमास के लड़ाके दनादन रॉकेट फायर कर देते हैं। और इसी वीडियो में एक बिल्डिंग के नीचे करीब 3 से 4 IDF के जवान आते दिख रहे हैं जिन पर हमास के लड़ाके रॉकेट अटैक कर देते हैं। इसी वीडियो में हमास के कुछ लड़ाके लॉन्चर्स में रॉकेट भर भर कर दागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये रॉकेट कहां गिरे हैं इनकी जानकारी नहीं मिली है। इसके बाद जबालिया कैंप में तो हमास ने इजरायल के 2 टैंकों को एक झटके में उड़ा दिया। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। हमास के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास का लड़ाका एक घर के भीतर छिपकर सामने से गुजर रहे IDF टैंकों पर दनादन 2 बार रॉकेट दाग देता है जिनमें जोरदार धमाका होता है। इसके बाद गाजा के सेंट्रल गवर्नेट के खुले मैदान में इजरायल के कुछ सैनिक और सैन्य वाहन इकट्ठा होते हुए नजर आते हैं
और तभी अलकुद्स के लड़ाके इजरायली सैनिकों के इस जमावड़े पर एक के बाद एक रॉकेट और बमों की झड़ी लगा देते हैं।